सवाल है, आपकी महाबत क्यों याद नहीं? आप अगर मैं चेरिस्मत खान रहा में पाप, एक दफा मुझे बड़ी अर्जे की बात है, जिला बक्कर एक है जहाँ हैदराबाद, जिला बक्कर में एक हैदराबाद सिंध में है, तो वहां मैं गया, मेरे जाने वाला मेरे पास आया, जनाब ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप मसला हक भी बयान करें तो लोग आपकी मुखालफत ना करें। मैंने कहा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिसबा नहीं आ सकते। वो हैरान हुआ, मैंने कहा इमाम 1400 साल से जो रो रहे हो क्यों रो रहे हो? इमाम अलैहिस्सलाम दरमियाना कोई रास्ता निकाल लेते थे, लोग मुखालफत भी ना करते, इमाम शहीद भी न होते थे, कल में हक भी बुलंद करते। मेरे मोहतरम ये मैं अपने आप को ये कोई ना बात में फतवा लगाया कि मैं नस्बत उनके साथ दे रहा हूँ, बात सिर्फ ये है कि मैं रात भी कह रहा था, मुनीर रिया जी ने कहा था कोई लोग भी शहर के लोग भी जालिम सन, कि कोई सन भी शौक थी मरने। एक शेर है उर्दू में आए कि कुछ दर्दे के जमाना भी जिद पर अड़ी रही, कुछ आप भी शरी के हमें रोजगार थे। मैं 60 में जब नजर से आया तो मैंने देखा कि हमारे साथ तबलीग दीन का बेहतरीन जरिया हमारी मजालिस हैं, जो हमारा रोजाना हमें हजारों का मजमा मिलते हैं, यहाँ महीने वहां महीने, अगले पैर महीने, पिछले पैर महीने, सर्दियों में महीने, गर्मियों में महीने, लेकिन मिट से हमारे यहाँ कारोबार बन गई हैं। कितने पहले हजारों की बात थी, अब लाखों की बात हो रही है, कितने लाख लोग मौलाना भी गुजरे हैं, तो लोग गिर रहे हैं कि ना मैं तो माफ रखना। यदि एक है तारीख में कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिम गिनते थे तुम्हें कितना इनाम मिला, तुम्हें कितना मिला, जब आज हमारे दौर की बात करें मौलवी मोहरम के बाद गिनते हैं तूने कितने लाख कमाए थे, तूने कितने लाख कमाए। तो लिहाजा मैंने एक रिसाला लिख मारा 1962-63 में, जिसका नाम था इस्लाहुल मजालिस वल महाफिल। ये मजालिस हमारी बेहतरीन इबादत है, पर इनकी इसलाह होनी चाहिए। इसलाह क्या होनी चाहिए? 120 सफ़े के रिसाले का खुलासा मैं 4 जुमलों में करूंगा। पहले मैंने ये साबित किया अल्लाह के कुरान के 14 के फरमान थे कि इमाम आली मकाम की मजालिस का फीस तय करना, इतने लूंगा इतने लूंगा, ये खून हुसैन की तिजारत है जो हराम। बदतरीन अगर कोई पेशा है दुनिया में रोटी कमाने का तो खून हुसैन की तिजारत। जाहिर है इसकी जात पेशावर मौलों पर भी पड़ती थी और जाकरों पर भी। नंबर 2, मैंने कहा कि जिक्र हुसैन बेशक करो, अच्छी आवाज में करो, सादा आवाज में करो, लेकिन खुदा के लिए फिल्मी तर्जों को और फिल्मी धुनों को हुसैन के मिंबर पे न लाओ, क्योंकि नाने की इमाम हुसैन के नाने की शरीयत में गाना बजाना और फिल्मी धुने हराम हैं। लिहाजा हमारे जागरों ने कहा कि हम तो सारे जब तक ये फिल्मी धुनों में कसीदे न पड़े हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें मुंह मांगे पैसे मिलते ही नहीं है। फिर तीसरी बात मैंने ये लिखी थी कि फजाइल आले मोहम्मद पे खुश होना ये भी मोमिन की अलामत है, मसाइब सुन के रोना ये भी बहुत बड़ी इबादत और सआदत है, पर रिवायतें सही या किसी मोतबर किताब में देख के पढ़ो या किसी आलिम जिम्मेदार की जुबान से सुन के पढ़ो, न फजाइल घड़ घड़ के पढ़ो तो न मसाइब घड़ घड़ के। उन्हें कहा जो पुराने मसायब पे नारा नहीं लगता, जो पुराने मसायब कोई रोता नहीं है, लिहाजा हमें मसायब भी घटने पड़ते हैं, ते फजाइल भी घटने पड़ते हैं। ते चौथी बात मैंने कही थी कि जाकिर हुसैन जो मिंबर पर आए उसकी रविश, उसकी रफ्तार, उसकी शकल, उसके शमाए वो ऐसे होंगे लोग देखने वाला कहीं मजलूम का जाकिर है, वो ये ना कहे किसी थिएटर का एक्टर आ गया। इसकी जात पर भी कोई लोगों पर पड़ती थी, इसको हमारे पंजाबी में कहते हैं खत के एपिसोड होते हैं ना, उसमें वो डसने वाले क्या होते हैं में। तो मैंने खक्खेर में भट्टा मार दिया, वो दिन गया थे आज का दिन आया, बराबर मेरे खिलाफ हंगामे हुए थे, बदली कोच वो जो तुम के लगाइडियो मेरे ग्रामीण खाते भी इनको भी मालूम नहीं थे, लेकिन मैंने ये मैंने भी फैसला कर लिया था वो अपनी मुंह न छोड़ेगी, हम अपनी वजह क्यों बदले, सबक सर बन के क्यों पूछे कि हमसे सर गिरा क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल हो रहा है, 60 में आया था, अब 2010 का जू हो गया है। तो लिहाजा तहरीर में तकरीर में जो पहले दिन बात कही थी आज तक लिख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, और जब तक ये समय जान है ये फर्ज अदा करते रहेंगे। लिहाजा जो नाराज होते वो नाराज हों, ना हमें हाथ चुमाने की जरूरत नहीं, होम सदात वसूल करने का भी शौक नहीं, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक नहीं अबला मस्जिद का फर्जन, ये अलग बात है कि फिर अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना कुछ, मैं जहर इलाही को कभी कह नहीं सकता।
आज मैं कह दूं कि भंग पीना जायज है तो मैं लंग भी मेरी तरीके कर, आज कह दूं कि मोमनों का खून चूसना जायज है, इमाम हुसैन के खून की ज्यादा जायज है तो जाकिर भी मेरे कसीदे पढ़ेंगे, आज फराड़ी पीरों से कह दूं तबीज गंडे का काम करना था, जिन्नात निकालना था, फराड़बाजी करके पैसे कमाना जायज है तो वो भी कहेंगे ऐसा हाल है, मैंने देखा भी नहीं था सुना भी नहीं, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का कुरान मजबूर करता है, चौदह का फरमान मजबूर करता है, कोई दरूद पढ़े या गालियां दे कलम हक बुलंद करना चाहिए, पर न अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने झूठे बकार के लिए हदीस को छुपाया था।